क्या आप भी नवोदय एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 20 जनवरी को? अगर जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी शेयर कीजिएगा अपने कम से कम 3 दोस्तों तक, एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए देरी न करते हुए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, ये देखिए दिया है, हल कीजिए। 1/2 + 1/3 + 1/4, जब ऐसा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आता है बच्चे घबरा जाते हैं, उसको नहीं कर पाते हैं। चलिए उसी को सॉल्व करना हम यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए इसको हल करेंगे, नीचे वाले को क्या है, 3 + 1/4, जब इसको आप हल करेंगे 3/1 मान सकते हैं, +1/4 पहले से दिया है। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 4, 4 हो जाएगा 12, प्लस कर देंगे 1, यानी कि 12 कितना हो जाएगा, 13/4। ये देखिए आपकी आंखों के सामने यहाँ पे हल हो गया है। अब जब ये हल हो गया उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको पूरे को हल करेंगे। 4 देखिए यहाँ नीचे क्या है, बटे में है, इधर जाएगा ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी कि 4 = 4, यानी क्या हो जाएगा, 2 + 4/13। ये ऊपर एक आपका रहेगा, यहाँ इसका ये यहाँ पर चला जाता है। ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि अंश हर, जब हर के नीचे क्या नाम है, हर के नीचे जब हर होता है तो वो जाता है गुणा हो जाता है अंश में, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। अब देखा क्या यहाँ पे हो गया, 2 + 4/13। अब इसको सेम वैसे करेंगे, 2 है 2/1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, +4/13। अब 13 का एलसीएम क्या होगा, 13 यहाँ पे हो जाएगा, एंड 13 × 26, 26 × 4 हो जाएगा 30, यानी कि 30/13 आ जाएगा। ऊपर क्या है, 1/30/13। अब देखिए 13 यहाँ पे क्या है, 13 यहाँ पे हर में है, ये क्या जाएगा, अंश में पहुंच जाएगा, यानी कि 13 + 13, 13/30 आपका आ जाएगा आंसर, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ से सही होगा। आपको एकदम आसानी से करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, आप यह वीडियो पूरा वॉच कर लीजिए। अगर ऐसा सवाल आपका एग्ज़ाम में आ गया तो आपका नंबर फिक्स है। अगला प्रश्न है, सरल करो। देखिए सरल करने के लिए दे दिया है, क्या दिया है, 2.50, 3.20 रुपये, 8.60 रुपये, इन सबको किस में बदलना है, आपको रुपए में बदलना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता होगा 1 पैसे = कितना होता है, 1/100 रुपया, यानी कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो अगर 1 पैसे = रुपया बदलना हो तो क्या करेंगे, उसमें भाग दे देंगे 100 का। तो 1 पैसे = 1/100 रुपया जब होगा तो 2.50 पैसे = कितना होगा, 2.50/100 रुपया, यानी कि आएगा 2.50 = 2.5 रुपया। ये आप यहाँ पे दिया है 60 पैसे, 60 पैसे को फिर रुपये में बदलेंगे तो क्या होगा, 60/100 करेंगे, ये आएगा 0.6 रुपया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 2.5 रुपया ये हो गया, 3.20 ये पहले से है, उसके बाद 8 रुपया, उसके बाद 0.60 पैसा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 14.30, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। इसको बोलेंगे 14.30 रुपया। अगला प्रश्न है, 300,000,25,040 को अंकों में लिखिए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि 10 मिलियन को आपको बोलते हैं 1 करोड़, 10 मिलियन = होता है 1 करोड़, 100 मिलियन = क्या हो जाएगा, 100 मिलियन = आपका हो जाएगा 10 करोड़। तो 300 मिलियन = कितना हो जाएगा, 30 करोड़। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 30 करोड़, 30 करोड़ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, हो गया 30 करोड़। अब क्या बोल रहा है, 25,000, तो हजार के स्थान पर क्या लिखेंगे, 25, देखिए 25,000 हो गया। अब बोला है 40, यहाँ लिख देंगे 40, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ से सही होगा। कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं मिलियन में, तो जो हमने बताया है वो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। बच्चों इन सभी प्रश्न का पीडीएफ आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप वहां से इस प्रश्न के सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एंड वहां पर नवोदय से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हमने बनाए हैं आज तक सबका पीडीएफ वहां पर अपलोड कर दिया, जाके फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्रश्न है, किसी कुर्सी को 3600 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है तो 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। तो देखिए माना क्रैमूल 100%, ये सबको पता होता है कि क्रैमूल क्या होता है, 100% होता है, 100 में 10% की हानि हो गई, यानी कि 90% हो गया। तो 90% = कितना दिया है, 3600 दिया है, तो 1% का निकालेंगे, क्या करेंगे, 90 में भाग कर देंगे, तो 90 भाग करेंगे 1% = आ जाएगा आपका 40। अब क्या बोला है, 20% लाभ कमाने के लिए, यानी कि 100% इसका पहले से था, पहले से कितना था, 100% था, अब 20% लाभ कमाएगा, यानी कि 20% में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 120%, 120% इसका हो जाएगा। अब देखिए 120% बोल रहा है, तो 1% का हमने 40 निकाला था, 120 का निकालना है, तो क्या करेंगे, 40 में 120 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे आ जाएगा आपका 4,800 रुपया, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका यहाँ से
सही होगा। अगला प्रश्न है, दीपक ने 400 मीटर कपड़ा 18 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदा तथा इस पर 5 रुपये प्रति मीटर की दर से टैक्स दिया, तो उसे 20% लाभ करने के लिए 400 मीटर कपड़ा कितने रुपये में बेचना होगा। यानी कि बोल रहा है एक दीपक नाम का लड़का था, वो 400 मीटर कपड़ा खरीदा कितने रुपए के, 18 रुपया प्रति मीटर। आपको हमने बहुत बार बताया, हर एक वीडियो में बताया कि प्रति का मतलब होता है एक, यानी कि एक मीटर कपड़ा 18 रुपये में। तो 400 मीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 400 में 18 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ हल्के माध्यम से करते हैं, एक मीटर कपड़े का मूल 18, एक मीटर कपड़े पर टैक्स कितना लगा, 5 रुपया, कितना हो गया टोटल, कितना पड़ जाएगा आपका 23 रुपया। अब 400 मीटर निकालेंगे, 400 को क्या करेंगे 23 में गुणा, क्योंकि टैक्स भी आपका, अगर आप कहीं से माल या सामान ला रहे हैं तो अगर आप वो 18 रुपये में खरीद रहे हैं तो आते रास्ते में आपको भाड़ा अगर 5 रुपये देना पड़ेगा तो आप बेचेंगे कितना, आपका क्रय मूल्य वहाँ पे हो जाएगा दोनों जोड़ करके, भाड़ा भी एंड खरीदा हुआ मूल्य भी। तो यहाँ पे भाड़ा और खरीदा जोड़ोगे तो आपका आएगा 23 रुपये, यानी कि एक मीटर कपड़े पर आपका मूल्य पड़ा 23 रुपया खरीदारी का। तो 400 मीटर पर कितना पड़ेगा, 9200, 400 में 23 का आप गुणा करेंगे 9200 आएगा। अब इस पर क्या बोल रहा है, 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा, तो 9200 को जब 20% आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 11040, उसमें ऐड कर देना होगा। तो हमने यहाँ पे सीधे 120% निकाल लिया है, क्योंकि 100% पहले से मानते हैं, 120% निकाल लेंगे तो आएगा 11040, आपका विकल्प नंबर भी यहाँ से सही होगा। अगर आपको प्रश्न ना समझ में आया होगा तो प्रश्न को आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करके फिर से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोणों का युग्म पूरक कोण होता है। तो इसमें आपको सबसे पहले परिभाषा याद होना जरूरी है, क्योंकि पूरक कोण किसे कहते हैं, जिसको यह पता होगा वही यह सवाल हल कर पाएगा। तो पूरक कोण उसे कहते हैं जिन दो कोणों के युग्म का योग 90 अंश होता है, उसे बोलते हैं पूरक कोण। यानी कि दो कोण आपस में मिलकर 90 अंश अगर बनते हैं तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। तो इसमें से देखिए कौन सा बन रहा है, इसमें से देखिए बन रहा है 30+60, क्योंकि 40-60 करेंगे तो आपको हो जाएगा 100, 140-60 करेंगे तो आपको ज़्यादा हो जाएगा, 120-60 भी ज़्यादा हो जाएगा। तो विकल्प नंबर तीसरा यहाँ से आपका सही होगा, 60-30-90, 90 अंश बन गया तो आपका पूरक कोण हो गया। अगला प्रश्न है, समान अंत बिंदुओं वाली दो एक दूसरे के ऊपर स्थित रेखाएं बनती हैं। अब देखिए समान बिंदुओं के अंत वाली यानी कि समान रेखा होगी, ए भी हमने एक रेखा खींच लिया। अब एक दूसरे के ऊपर स्थित बिंदु, एक दूसरे के ऊपर एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, एक दूसरे के ऊपर रेखाएं बनती हैं। तो यहाँ पे देखिए समान अंत बिंदुओं वाली एक दूसरे के ऊपर स्थित रेखाएं संरेखीय रेखाएं कहलाती हैं, जो 0° का कोण बनाती हैं। ये आपका परिभाषा है, ये अगर आपको परिभाषा याद रहेगा तभी आप वहाँ पे ये सब क्वेश्चन कर पाएंगे। तो फटाफट जाके परिभाषा आप याद कर लीजिएगा, 0° यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 मीटर भुजा के घन से 6 सेंटीमीटर के कितने घन काटे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 मीटर में दिया है, तो मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर, यानी कि 3 मीटर बराबर हो जाएगा आपका 300 सेंटीमीटर। अब देखिए घन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी कि 300 का 3 बार करना पड़ेगा, 300 × 300 × 300, एंड छोटा क्या बोला है 6 सेंटीमीटर, 6 × 6 × 6 जब करेंगे, इन दोनों का जब भाग दे देंगे तो आपका आएगा 125,000, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है तथा आयत का परिमाप 64 मीटर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, माना चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई क्या होगा उसकी 3 गुनी, यहाँ बोली थी देखिए क्या बोली थी 3 गुनी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लंबाई 3x। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो परिमाप पहले से दिया है 64 लिख लेंगे बाहर, परिमाप की जगह पे 2 लगाएंगे, लंबाई कितनी है, लंबाई यहाँ 3x है, चौड़ाई कितनी है x है, 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब देखिए 4 दोनों क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, 8 इधर गुणे में जाएगा क्या होगा बटे में होगा, तो 8 × 64 यानी कि x बराबर आएगा आपका 8 मीटर। अब लंबाई यहाँ पूछा, क्या पूछा आयत की लंबाई, तो लंबाई हमने 3x माना था, तो 8 में क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा 24 मीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। बच्चों आज के आपके सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूरे हो चुके हैं, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कम से कम अपने 3 दोस्तों तक यह वीडियो शेयर कीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा दिन आपके नहीं बचा है, तो फटाफट आप तैयारी और रिवीजन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कल इसी टाइम पर फिर आपको न्यू वीडियो मिल जाएगा।